Hey you, welcome to my new video. Today we are talking about Suzuki Hayabusa GSX 1300R bike. और इस वीडियो में मैं काफी सारे टॉपिक सॉल्व करने वाला हूँ, जैसे प्राइस क्या रहने वाला है, फीचर स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाला है, और साथ में ये भी कवर करूंगा ये बाइक अब आती है नहीं आती है। लेकिन से पहले कहना चाहूंगा, अपने भाई की चैनल पहली बार है तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेलकम प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। यही जैसे कि आपको किताब का सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है, प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ जो चीज़ बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। गई इसका एक्चुअल प्राइस दिया गया है 15,95,000 और ये 2013 में लॉन्च हुई थी। ये सब बात करते हैं फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे इंजन ट्रांसमिशन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट 1340cc, इंजन टाइप लिक्विड कूल्ड, 4 स्टॉक, नंबर ऑफ सिलेंडर 4 दिए जाएंगे, बल्ब पर सिलेंडर 4 दिए गए हैं, मैक्सिमम पावर 199.7 PS 9500 RPM, मैक्सिमम टॉर्क 155.9 Nm 7200 RPM, बोर 81 mm, स्टॉक 65 mm। इस बात करते हैं बाइक स्टार्ट कैसे होती है, सो इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट नहीं दिया गया, सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। इस बात करते हैं ट्रांसमिशन के बारे में, ट्रांसमिशन टाइप इसमें मैनुअल में दिया गया है, गियरबॉक्स इसमें 6 स्पीड में दिए गए हैं, यानी कि 6 गियर्स वाली बाइक होने वाली है। ड्राइव टाइप चेन ड्राइव। इस बात करते हैं टायर्स एंड वाइल्स के बारे में, फ्रंट टायर 120/70-17 का और साथ में रेयर टायर दिया गया है 190/50-17 के, फ्रंट लाइट 58 mm और रेयर वाइल 73 mm का दिया गया है। टायर टाइप इसमें काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस में दिए गए हैं। यही सब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में, फ्रंट ब्रेक 310 mm डबल डिस्क में दिए गए हैं और साथ में रेयर ब्रेक दिया गया है 260 mm डिस्क के अंदर। यही सब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट सस्पेंशन इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड में और साथ में रेयर सस्पेंशन दिया गया है लिंक टाइप कॉइल स्प्रिंग ऑयल डैम्प्ड के अंदर। यही सब बात करते डायमेंशन कैपेसिटी के बारे में, लेंथ 2190 mm विथ 735 mm, हाइट 1165 mm, वाइड 1480 mm के दिए गए हैं, ग्राउंड क्लियरेंस 120 mm। गाइस अब बात करते हैं कर्व वेट के बारे में, कर्व वेट क्या दिया गया है, सो इस कर्व वेट दिया गया है 260 kg का, यही टोटल वेट 260 kg का होने वाला है। फ्यूल कैपेसिटी 21 liters, यही फ्यूल टैंक 21 liters का होने वाला है। ये सब बात करते हैं बाइक मार्केट में अब आती है नहीं आती है, सो ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये बाइक लॉन्च हुई थी 2013 में और ये BS4 में आया करती थी, तो ये बाइक डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यारी बाइक लगी मुझे, इसलिए मैंने सोचा ये आपको बाइक दिखानी चाहिए। और जहाँ तक सुनने में आ रही है बाइक BS6 में फिर से लॉन्च होगी। गाइस अपने भाई की चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेलकम प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।